नमस्कार, आज हम बनाएंगे तिल मूंगफली के लड्डू। ये सर्दियों की खास मिठाई है और ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तिल मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हमने ये 1 कप तिल लिए हैं और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल जब भुनने लगते हैं तो चटकने लगते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तिल भुन चुके हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, फूले फूले दिखाई दे रहे हैं और अच्छी खुशबू भी आ गई है। हम तिल को जरा भी ज़्यादा नहीं भूनते, अगर ये डार्क हो जाएंगे तो इनका टेस्ट थोड़ा बिटर हो जाएगा। फिर ये हमने लिए हैं 1 कप मूंगफली के दाने। ये हमारे भुने छिले दाने हैं, इन्हें हम पीस लेंगे, बिल्कुल हल्के दरदरे पीसने हैं। तो ये हमारे मूंगफली के दाने पीसकर तैयार हो गए। और ये 1/2 कप बादाम, इन्हें भी हम बिल्कुल हल्के दरदरे पीस लेंगे। एक साथ मिक्सी को बहुत देर तक नहीं चलाना है, बीच में रोककर थोड़ा सा इसे चम्मच से हम चला लेंगे। ये हमारे बादाम भी पिस गए। ये तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं, इनमें से थोड़े से तिल हम साबुत निकाल लेते हैं और बचे हुए तिल हम दरदरे पीस लेंगे। ये हल्के दरदरे तिल भी पीस लिए हमने। और ये 1/2 कप घी, इसे हम मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया, इसमें बादाम पाउडर डाल देते हैं और इसको हल्का सा भून लेते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल 1 मिनट भूनना है। और ये जो घी हमने डाला है ये सारे लड्डुओं के लिए है। हमने 1 मिनट बादाम को भून लिया है, अच्छी खुशबू आ गई है। और अब ये पिसे हुए मूंगफली के दाने, और इन्हें 1/2 मिनट मिलाते हुए भून लेते हैं। जस्ट मिलाना है हमको। गैस बंद कर देते हैं, इसे हम बड़े प्याले में निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अब सारी चीज़ें मिक्स करनी है। और अब हम इसमें डालेंगे तिल पाउडर, मिला लेते हैं। ये गर्म है और तिल हमारे ठंडे हो चुके थे, तो मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। चीनी हमें पहले नहीं मिलानी क्योंकि गर्म गर्म में चीनी नहीं मिलाते। ये मिक्स हो गया और ये मिक्सर थोड़ा सा अब ठंडा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। हम इसे हाथ से छू सकें, इतना गर्म होना चाहिए। इसमें अब डाल देते हैं ये बूरा, 2 कप बूरा है। और ये 1 छोटी चम्मच दरदरी पिसी छोटी इलायची। और अब अच्छे तरीके से मिलाते हैं इन्हें। बूरे की जगह पिसी हुई चीनी छान कर ले सकते हैं, और चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इन्हें हाथ से मिला लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। ये मिक्सर हमारा सूखा दिख रहा है, इसमें हम या तो ताज़ा मलाई 2-3 टेबलस्पून डाल दें या फिर ताज़ा दूध 2-3 टेबलस्पून डाल दें। मिक्सर हमारा अच्छा बाइंड होना चाहिए। हम इसमें डाल रहे हैं ताजी मलाई, तो पहले हम 2 चम्मच मलाई डाल देते हैं, 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिलाते हैं। तो ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया। थोड़ा सा मिक्सर हम ले लेंगे और इसे बाइंड करते हुए गोल करेंगे। इसे हम तिल में लपेट लेंगे। इसे हम तिल में लपेट लेते हैं। तो ये थोड़े से तिल इसके ऊपर आ गए हैं, और फिर से इसे बाइंड करते हुए गोल कर देंगे। ये हमारा लड्डू तैयार हो गया। सारे लड्डू हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। ये सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए,
और इतने डोसे हमने 21 लड्डू बनाए हैं। तिल मूंगफली के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 1.5-2 महीने तक खाते रहिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन तिल भूनते समय पूरा ध्यान रखना है। जैसे ही वो फूल जाए, वो भून चुके होते हैं, उन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, वरना लड्डू में थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ जाएगा। और मूँगफली भूनते समय भी ध्यान रखें, उन्हें भी प्रॉपर तरीके से भूनें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।